अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं कुछ बहुत डिफरेंट बनाऊंगी और आज मैं बनाऊंगी कीटो हलवा। ये बेसिकली अंडों का हलवा है और जो लोग कीटो डाइट करते हैं उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा, तो मैं आज वो बनाऊंगी। और ये बनेगा अंडों से और कोकोनट मिल्क से। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बता देती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या यूज़ करूँगी। मैं इसमें लूँगी, ये दो अंडे मैंने रखे हैं, दो अंडे लूँगी। हाफ कप जो है मैं इसमें कोकोनट मिल्क लूँगी। आप लोग जो हैं वो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। और आप इसमें मैं तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून या टीस्पून जितनी मुझे रिक्वायर्ड है उतनी मैं इसमें स्टीविया लूँगी। आपने इसमें स्टीविया लेना है, कोई और जो है वो स्वीटनर ना लें, क्योंकि ये जो है स्टीविया जो होता है ये नेचुरल होता है, बाकी जो हैं वो बनाए गए होते हैं स्वीटनर्स। और 1 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें बटर लूँगी। आप लोग इसमें देसी घी भी ले सकते हैं और घर का मक्खन भी ले सकते हैं, जो आप लोगों को पसंद हो। बट आप इसमें वेजिटेबल ऑयल नहीं ले सकते, कोकोनट ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, बट बटर या देसी घी सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। और कुछ नट्स हैं इसमें, बादाम है और ये इसमें अखरोट है, वो लिए मैंने। चलिए सबसे पहले जो है हम लोग रेडी करते हैं अंडों के मिक्सर को। ये दो अंडे हैं, इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन हाफ कप जो है कोकोनट मिल्क। हाफ कप डाल दिया कोकोनट मिल्क। बेसिकली जो कीटो डाइट कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि ये लो कार्ब जो डाइट होती है इसमें आप फैट्स लेते हैं, कार्ब्स आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो आप इसमें आलमंड जो मिल्क है या फिर आप कोकोनट मिल्क लेते हैं, कोकोनट मिल्क जो है वो ज़्यादा लो कार्ब है तो वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसको जो है तकरीबन 1 मिनट के लिए, हमने इसको फ्लफी नहीं करना, जस्ट हमने इसको बीट करना है कि अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं। जस्ट 1 पे रख के 1 से 2 मिनट के लिए। जी, मैंने 1 से 2 मिनट भी नहीं, जस्ट 30 सेकेंड के लिए मैंने इसको बीट किया। आप लोग इसको हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा जल्दी और इजी हो जाएगा। चलें अब हम रेडी करते हैं। पैन में सबसे पहले जो है हम लोग बटर डालेंगे और फिर ये मिक्सर डालेंगे। ये जी हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे, मतलब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लो, कि जैसे हम दम के लिए रखते हैं ना, उस पर हमने जो है अपना फ्राइंग पैन, सॉस पैन, जिसमें भी आपने बनाना है वो रखना है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये बटर। अगर आप लोगों को बटर का फ्लेवर पसंद है ज़्यादा आप लोग डाल सकते हैं। जब ज़रा सा मेल्ट हो जाएगा आप लोगों ने इसको साइड पे कर देना, थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ये जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, अब इसके अंदर ये मिक्सर डाल देंगे। असल काम जो है वो अब मैं अप करना है, बहुत हल्की आंच पे इसको हमने हिलाना है ताकि ये नीचे ना लगे। कम से कम भी 10 से 15 मिनट लगते हैं हमें इसको बिल्कुल हल्की आंच पे बनाने के लिए। आप लोगों ने इसको हिलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना जो है ये इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी और ये नीचे चिपक जाएगा। चलिए जी अब इसको हिलाते हैं अच्छे तरीके से। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये गाढ़ा हो रहा है, इसे मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे बनाया और मुसलसल इसको जो है मैं तकरीबन 6-7 मिनट से हिला रही हूँ। हमने इसको इतना खुश करना है कि ऑयल जो है वो हमारा अलग हो जाए और हलवा जो है वो अलग हो जाए। अच्छा, मैं इसमें स्टीविया पहले नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इससे थोड़ा सा जो है मिठास इसकी कम हो जाती है या कड़वाहट आ सकती है, तो स्टीविया जो है
वो हम लोग बिल्कुल एंड पे डालेंगे। और जो नट्स हैं, अगर आप लोगों को पसंद हो कि आप लोगों ने बीच में डालना है तो आप लोग इसको अभी डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इसके ऊपर गार्निशिंग करें तो आप इसको ऊपर से भी डाल सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह से गाढ़ा हुआ है। इसे मैं कंटिन्यूसली सिर्फ हिला रही हूँ, इसे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। बस अब हम वेट करेंगे कि कब ऑयल जो है वो इससे अलग हो जाए और फिर हम इसके अंदर स्टीविया डालेंगे। ये जी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है खुश्क हो गया, ऑयल जो है इसका अलग हो गया। लेकिन इसको आपको कंटिन्यूसली हिलाना पड़ेगा, एक मिनट के लिए भी अगर आप लोगों ने इसको छोड़ा तो ये सड़ जाएगा। अब जी ये बिल्कुल रेडी हो गया, तो अब हम इसके अंदर जो है 1 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें स्टीविया डालूँगी और उसके बाद में चूल्हा बंद कर दूँगी बिल्कुल हल्की आँच पर। तो बस मिक्स करेंगे अच्छे से और चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि स्टीविया डाल के आपने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। ये जी हलवा जो हो गया रेडी, अब मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये जी हलवे की है फाइनल लुक। मैंने इसको सर्विंग बाउल में डाल दिया और आप लोग जो कीटो डाइट कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको इसमें मीठे की क्रेविंग होती है, आप लोग इसको इजीली ले सकते हैं। अगर कोकोनट मिल्क में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग को आलमंड मिल्क का फ्लेवर पसंद हो तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। और उसके अलावा जो लो कार्ब डाइट कर रहे हैं वो लोग भी ये हलवा आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई फ्लावर ऐड नहीं है, जस्ट अंडे हैं, कोकोनट मिल्क है और स्टीविया है, और इस जिसकी वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा फैटनिंग भी नहीं होगा। इसमें हमने 1 टेबलस्पून जो है वो बटर लिया, तो कीटो वाले तो इसको इंजॉय कर सकते हैं, इसको बाकी भी जो है वो आराम से खा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम सूजी डाल के बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई कार्ब में चला जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो सकता है। सो आप लोग ये इजीली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब ये जो नट्स हैं ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, आप लोग चाहें तो आप लोग अंदर भी इसको डाल सकते हैं। आप लोग इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना, आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगा। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।